हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे जीरो काउंटिंग सिस्टम। जीरो काउंटिंग सिस्टम में हम लोग को पढ़ना होता है कि कोई भी संख्या में लास्ट से जीरो कैसे फाइंड करें। जैसे पार्ट वन वीडियो में हम लोग देखे थे कि टाइप फर्स्ट में जब लगातार संख्या थी तो उनसे हम जैसे 1 × 2 × 3 × 4 × ……… 200 तक में कितनी जीरो होती थी, तो उनको फाइंड करने के लिए हम लोग उस वीडियो में सीख चुके थे। अब पार्ट टू वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप टू, जब संख्या श्रेणी सम हो यानी इवेन हो, तो इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जैसे 2 × 4 × 6 × 8 × ……… 180 के अंत से जीरो की संख्या कितनी है। तो इसमें एट फर्स्ट हम लोग उसी तरह पहले लास्ट वाले को उतारेंगे 180, तो 180, तो इनमें सबसे पहले 180 को 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सम संख्या है। सम संख्या को पहले एट फर्स्ट हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, तो 90 × 180, 90 बार में कट गया। तो अब इन 90 को फिर वही लगातार संख्या की तरह 5 से रेगुलरली डिवाइड करेंगे, जैसे 18 × 5 = 90 प्लस फिर इन 18 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 × 3 = 15। अब 3 5 के टेबल में नहीं आता, इसीलिए अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, 18 और 3 = 21। ये हो गया आंसर। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपके लिए, जैसे 2 × 4 × 6 × ……… 300 के अंत से शून्य की संख्या कितनी है। तो इसमें भी 300 है लास्ट में, तो 300 लिखेंगे, इनको भी उसी तरह फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो 300 150 × 300, फिर ये 150 को लगातार 5 से डिवाइड करेंगे, तो 30 × 5 = 150। अब इन 30 को फिर 5 से, 6 × 5 = 30, और 6 को फिर 5 बार में, 5 से एक बार में लग रहा है, 5 × 5 = 5। तो अब एक एक 5 के टेबल में नहीं आ रहा, तो इन सभी को ऐड कर देंगे, जैसे 30 × 6 = 36 + 1 = 36 + 1 = 37। ये हो गया आंसर।